अटल टनल के बनने से पहले वहां पर सोनिया गांधी के नाम की आधारशिला थी, लेकिन जब टनल बनी और उसका काम पूरा हुआ तो वहां से उस आधारशिला को हटा दिया गया है। लेकिन अब सोनिया गांधी के नाम वाली इस आधारशिला को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी वैसे ही अब कांग्रेस ने गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी है कि फिर से आधारशिला को वहां पर रखा जाए। अटल टनल पर यूपीए की चेयरपर्सन यानी कि सोनिया गांधी के नाम वाली आधारशिला मामले पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि अटल टनल पर सोनिया गांधी के नाम वाली आधारशिला को एक बार फिर से स्थापित किया जाए, जो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की चेयरपर्सन थी। सोनिया गांधी ने जून 2010 में टूरिस्ट स्पॉट मनाली से 15 किलोमीटर धुंधी में अटल टनल की आधारशिला रखी थी। बता दें, अटल टनल पर सोनिया गांधी के नाम वाली आधारशिला का मामला सबसे पहले लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने उठाया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई, और जैसे ही सुखविंदर सिंह सक्खू ने अपना कार्यालय संभाला वैसे ही रवि ठाकुर ने इस मामले को उठाया। इसके बाद सीएम कार्यालय ने कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर को आधारशिला मामले पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करने के लिए कहा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे punjabkesari.com।